मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जिसकी मौत हुई वो कौन था? जग्गू के साथियों में से एक था। मैं समझता हूँ उसे मारने वाला वो मस्तान है। वो मस्तान कौन है? मैंने सिर्फ नाम सुना है पर शक्ल से वाकिफ नहीं हूँ सर। बिना शक्ल को देखे ही तुमने नाम जान लिया उसका?
ये बच्चों जैसी चांद को पकड़ने वाली बातें हैं, लेकिन पुलिस वालों के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। सॉरी सर, कई बार हम लोगों ने उन गुंडों को पकड़ने और उनका पता लगाने की कोशिश की, मगर कामयाब न हो सके। यही ना इंस्पेक्टर, जग्गू और मस्तान की रिपोर्ट 24 घंटों के अंदर मेरे टेबल पर होनी चाहिए, अंडरस्टैंड? ये ठिकाने पर है ना, मौत हो गई, भाग गया, इसके अलावा तुम लोगों के मुंह से बोल ही नहीं फूटते। हमने जो गमाया वो पत्थर नहीं था, बहुबोल्य सोना था। अगर इसी तरह की मुसीबतें आती रही तो अपना व्यापार कैसे चलेगा? उस मस्तान से मुकाबला करना मुश्किल है, वो हरफन मोला है, ताकत वाला है। मेरे सामने ही दुश्मन की बड़ाई करता है। किसी दुश्मन की बड़ाई मुझे सुनने की आदत नहीं है। वो मस्तान किस तरह खत्म हो ये सुनना पसंद करूंगा। मस्तान से मुकाबला करने वाला सिर्फ एक है। वो कौन है? सिलोन सिकंदर के नाम से, वो इसी शहर में रहता है। सिलोन सिकंदर क्या करता है वो? हसीनों के साथ नाचना गाना उसकी हॉबी है। जोशीला रंगीला हूँ, चोरी से दिल लेता हूँ, चोरों के राजा हम। सुनो ना ऐ सनम, दिल जानी हो रे तेरा, दिलदार मैं हूँ तेरा। बुलबुल सुमित्र लवली सुभाषिणी, तरवा तरवा तरवा। हलो सुजाता जानी सुनीता जाली सुहासिनी, ज्योति सुचित्रा बुलबुल सुमित्र लवली सुभाषिणी। नजरों की गर्मी है, प्यारी चकोरी है, चोरी चकोर है, बुलबुल चिचोर है। चूम लो प्यार से चुम के नाच के, दिल जानी हो रे तेरा, दिलदार मैं हूँ तेरा। या दिल से कहती है यौवन शोला है।
मिल जानी अनजानी ये प्यारी है रानी रैन का चंदा है नैन का तारा है जमा हुआ सनम हा हा तुम तो दिल की कसम दिल जाने हो रे तेरा दिलदार मैं हूँ तेरा अनजाना आवारा हूँ प्यार का बंजारा हूँ जोशीला रंगीला हूँ चोरी से दिल देता हूँ चोरों के राजा हम सुनो ना ऐसा नम दिल जाने दूर तेरा दिलदार मैं हूँ तेरा सर यस आपका फोन हेलो सीलोन सिकंदर जो पंडित पूजा को भूलकर मंदिर में सोता है वो बड़ा पापी है बात क्या है मैं जग्गू हूँ एक सौदे की बात करनी है मुझे धोखा देने की तुमने कोशिश की तो जान देनी होगी ये शर्त मंजूर हो तो बात करो ओके अब बोलो मेरे आदमी को मारकर मस्तान ने सारा माल लूट लिया उसे पकड़ना बहुत जरूरी है उसके बाद मैं 10 लाख दूंगा ठीक है उसका ठिकाना बताओ ठिकाना जानता तो फोन क्यों करता ओह तब तो 20 लाख देने पड़ेंगे ज्यादा मुंह मत फैला बहुमूल्य मोती पाने के लिए समंदर में डुबकी लगानी पड़ेगी जग्गू मुझे अपने प्राणों की बाजी लगाकर मस्तान को पकड़ना होगा फिर लूटे हुए सारे माल को तुम्हारे हवाले करना होगा तो 20 लाख भी नहीं दोगे हैं? ओके डन मैं 10 लाख रुपए अभी भेज रहा हूँ मैं अपना प्रोग्राम अभी बनाता हूँ ओके सिकंदर गिव दोस बॉक्सेस अबे यू सांप को छेड़कर मौत को मत बुला बच्चू परवाह नहीं बच्चू सांप के जहरीले दांत पल में तोड़ना मेरा पेशा है
तुम मौत को दावत दे रहे हो? ओह नो, बिल्कुल गलत। मौत को दावत तुम दे रहे हो। ये बात है? जरूर। तो फिर मुकाबले के लिए तैयार हो जाए। जो जीतेगा वो इनका हकदार होगा। ओके ओके। मस्तान ने अपना सर नहीं झुकाया था, मगर आज मामूली बदमाश ने मेरा सर झुका दिया। उसका खून कर दो, उसका नाम निशान न रहे। ओके ओके। सिकंदर कौन है? सिकंदर, मैं जग्गू हूं। जग्गू कौन? ऐसा नाम तो मैंने कभी सुना ही नहीं। व्हाट? मैं जग्गू बात कर रहा हूं। सिकंदर,
मैं जग्गू। आई एम सॉरी, रॉन्ग नंबर। सिकंदर। वो तो बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। एडवांस के तौर पर 10 लाख रुपया ले गया, मनवारी के सारे रुपए भी लूट लिए, 50 लाख का माल भी उड़ा ले गया। वो तो दांव बेच में हम सबसे माहिर है, हमें अंगूठा दिखा दिया। फूल सा गुलाबी ये रुख है प्यारा, नशीला मस्ता नशा राबी, दिल झूमता मेरा, मस्त मुझको कर दिया, मेरे मन में रस भरा, मस्त मुझको कर दिया, मेरे मन में रस भरा। चांद से फूलों की बुलबुल रंग रूप वाली हूँ, चंचल प्यार के पीछे ली रंग रूप वाली हूँ, गली बगिया खिला दूं, फूलों के होश उड़ा दूं, बगिया खिला दूं, फूलों के होश उड़ा दूं। चंचल चाल हो, प्यार के परवाने प्यारे हो, चांद सी खेल चांदनी, चंदा प्यारा संग हो तेरा, दिल प्रेम वाला हो, नशीला मस्ताना शराबी, दिल झूमता मेरा, मस्त मुझको कर दिया, मेरे मन में रस भरा, मस्त मुझको कर दिया, मेरे मन में रस भरा। छोड़ के ना जाओ, दिल तो प्यारा झूला है, रागिनी छेड़ ओ प्यारी, मस्त मुझको कर दिया, मेरे मन में रस भरा, रंगीला फूल सा गुलाबी ये रुख है प्यारा, चंचल प्यार की बिजली रंग रूप वाली हूँ, गली बगिया की खिला दूं, फूलों के होश उड़ा दूं, गली बगिया की खिला दूं, फूलों के होश उड़ा दूं। ये भीम सिंह हमारे प्रेम की पोल खोल देगा, घर जाके तुम्हारे पिताजी को सब कुछ बता देगा।
मुझे परवाह नहीं। परवाह नहीं? तुम्हारे पिताजी दो नाली बंदूक से शूट कर देंगे। तो क्या होगा? हाँ, बंदूक जब छूटेगी और मैं पहुँचूंगा सीधे स्वर्ग, तो मेरे फोटो से प्यार करना होगा। हटो जी, पिताजी मेरी बात को कभी नहीं डालेंगे। अच्छा सुनो, तुम्हारी खोपड़ी उल्टी है। किसी अमीर की बेटी से अगर कोई मामूली किसान प्यार मोहब्बत करे तो दुनिया पागलपन कहेगी। अच्छा, और तुम्हारे पिताजी उस प्यार मोहब्बत को ठुकरा दें तो समझदारी कहेगी। बुजुर्गों की बातों को न मानकर प्रेम के लिए गांव से भाग जाएं तो पुस्तली कहेगी। अच्छा, भागने की ताकत तुम में है? ताकत मुझ में तो है, तुम में नहीं। बाद में बहन का क्या होगा, ये कह के तुम्हें पीछे हटते हो। भैया लो वो देखो, नाम लेते ही महारानी हाजिर हो गई। बाद में मिलूंगी, यहाँ मुझे देखकर मेरा मजाक उड़ाएगी। तुम भागोगी तो वो खामखा शक करेगी। चुपचाप बैठी रहो भैया। क्या है कमला रानी? भैया को क्या हुआ, इतनी देर हो गई खाने के लिए नहीं आए, सोचकर मैं परेशान हो गई। लेकिन भैया तो खेती बाड़ी छोड़कर मोहब्बत बाजी में लगे हैं। ये बात नहीं कमला, तुम्हारी भाभी से शांता से मुलाकात हो गई। पढ़ाई कैसी चल रही है पूछ रहा था। पढ़ाई प्रेम की क्या, चल भाग। सुनो महारानी, आखिर ननद हूँ, हक है मुझे। मैं तुम पर हुक्म चला सकती हूँ, लेकिन तुम मुझ पर हुक्म नहीं चला सकती, समझे? चलो भैया, हाथ मुंह धो लो, खाना परोसती हूँ, चलती हूँ। अच्छा ननद जी, आप अगर हुक्म दें तो मैं जाऊँ। जाओ, वो तो मजाक था, चलती हूँ। बस 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 बस। भैया, माता पिता के रूप को तुम्हारी आंखों में रोज देखती हूँ। भैया तुम तो मेरे लिए भगवान हो। ये भी कोई बात है, माँ को मरते समय जान से भी बढ़कर तुम्हारी देखभाल करूंगा, मैंने उसको वचन दिया था, और उस वचन को निभाना धर्म है। तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। भैया तुम्हारा प्यार शांता से है, लेकिन हम उनके बराबर नहीं, उसके पिता तुम्हारे प्रेम के दुश्मन हैं। लेकिन मुझे अपनी शांता पर यकीन है, वो सारी जिंदगी मेरा साथ देगी। तुम मत घबराओ बहन, लो खाओ। शांता, ये सब क्या है? तुम कॉलेज से कभी कभी अपने गांव आती हो, बाप से मिलने को या प्रेमी से मिलने को? जवाब दो। भीम सिंह जो नौकर है उसी ने मेरी इज्जत का ख्याल है, और तू मेरी बेटी होकर मेरी ही बदनामी करने पे तुली हो, है ना? डैडी, बचपन से उसको मैं जानती हूँ। नहीं, अपनी औकात भूल गई हो। घर की इज्जत को समझकर बेटी शान से जिएगी, ये मेरा अपना ख्याल था, पर तुम तो इज्जत के नाम पर कलंक लगा बैठी। फिर उससे मिलने की तुमने कभी कोशिश की तो समझ लो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, याद रखो। गौर से सुनिए आप लोग, सीबीआई की स्पेशल ऑफिसर मिस अनीता से खबर आई है कि आज बॉम्बे मेल से फर्स्ट क्लास जी कंपार्टमेंट में एक आदमी लाखों रुपयों के हीरो के साथ सफर कर रहा है। मिस्टर मोहन। यस सर। ट्रेन के पहुंचने से पहले ही उस स्मगलर को पकड़ना होगा। ओके सर। बॉम्बे मेल से लाखों रुपए के हीरे हमारा राका लेकर आ रहा है। एक तरफ उसे पुलिस पकड़ना चाहती है, दूसरी तरफ उसे मस्तान हीरे लूटने की कोशिश कर रहा है। हमें सावधान रहना होगा। मैं तुम सब लोगों को एक प्लान बताता हूं, सुनो।
आपका स्मगलर है? What? क्या मैं स्मगलर लगती हूँ? नहीं नहीं, पुलिस वाले पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए पूछा। Is it? Yes. मौत से बचना है तो तुम दोनों फौरन भाग जाओ। धीरज बाकी कहाँ रखे हैं? वो नहीं रखता। बोल। बोल। नहीं रखता। बेमौत मर गया। रोज रोज वो मस्तान हमारे ऊपर हमले पर हमला कर रहा है। मस्तान, कल बॉम्बे मेल से फर्स्ट क्लास जी कंपार्टमेंट में सफर करने वाले मुसाफिरों के नाम बताएंगे? यस, जस्ट अ मिनट। थैंक यू। मिस्टर राका, मिस नीलिमा, क्लब डांसर। मिस नीलिमा? यस। क्लब डांसर? यस। आई सी। Please come in. आपका नाम? नीलिमा। नीलिमा? हाँ, और नीले रंग की मैं बड़ी दीवानी हूँ। फिर कृष्ण कन्हैया जी भी तो नीले थे। Very fine. आप इस ड्रेस को चेंज करके आए हैं तो मैं कुछ बातें करूं। इससे भी कम कपड़ों में रोज हजारों मर्द मुझे देख के दीवाने हो जाते हैं। जब भी उनके सामने नहीं शर्मे, फिर आपके सामने मैं क्यों शर्मा? Tell me what's the matter? आपने बॉम्बे में सफर किया था? Yes. बॉम्बे जाने की वजह?
वजह पूछते हैं। अजय दुनिया मेरी सूरत पर लट्टू है, बच्चों से लेकर नौजवान तक, बड़े बूढ़े सब मेरी खूबसूरती के दीवाने हैं। मैं सबसे दिल लगी भी करती हूँ। आई सी। राका नाम का मुसाफिर आपके कंपार्टमेंट में सफर कर रहा था? ओ यस, बीमारी थी दिल की। क्या वो मर गया? वो हीरो का स्मगलर था। व्हाट? हीरो का स्मगलर था? जी हाँ, मैं आपके घर की तलाशी लेने आया हूँ। हो सकता है आपके सूटकेस में या वैनिटी बैग में वो हीरे पड़े हों, इसलिए दोनों को चेक करना चाहता हूँ। अभी लेके आती हूँ। हेलो, नीलिमा हियर। मिस नीलिमा, अभी आपके घर में जो व्यक्ति है वो पुलिस ऑफिसर नहीं है, मैं आपसे पुलिस ऑफिसर बात कर रहा हूँ। जब तक वहाँ न पहुँचूं उसको बातों में फंसाए रखें, ओके? मिस नीलिमा, आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। हैंड्स अप। मिस नीलिमा, उस थैली को दीजिए मुझे। थैंक यू। तुम कौन हो? एसआई कमल चौधरी। कमल चौधरी को नहीं जानता। इससे पहले तुमको अपने डिपार्टमेंट में नहीं देखा? व्हाट? शट अप। बड़े ऑफिसर को रिस्पेक्ट देना सीखो। से व्हाट सर? ओके, यस सर। दैट्स गुड। शक्ल सूरत से पुलिस ऑफिसर नहीं लगते। यू मस्ट बी इन डिसगाइज। नहीं, काली चौक का सब इंस्पेक्टर हूं। काली चौक के होते तो पहचान लेता। एनीवे, थाने में तुम्हारा फैसला करूंगा। मिस नीलिमा, अरेस्ट हिम। सर, बिना सोचे शट अप। सोचने समझने के लिए छोड़ दूंगा तो मुझे बाद में पछताना पड़ेगा। मिस नीलिमा, डू व्हाट आई से, क्विक। दोस्त से मुंह मोड़ लेना अपराध नहीं? शराब, तुम किससे बात कर रही हो जानती हो? जानते क्यों नहीं, सुनो उन सिकंदर से। वो कौन है? सच बताओ, तुम हो। चोर पुलिस को मूर्ख बना सकता है, लेकिन चोर को मूर्ख नहीं बना सकता। मुझे शेर 50-50 दोगे तो हाथ मिलाऊंगी प्यार से, नहीं तो हाथ भिड़ाऊंगी गुस्से से। हाँ, सिलोन सिकंदर को हसीना से प्यार पसंद है, गुस्सा पसंद नहीं। फूल जैसे कोमल बदन पर प्यार बरसाना पसंद है, फूल को मसलना पसंद है। हाथ मिलाइए। सुनो मेरी जान, जान
कमला। भैया मेरी बहन। श्रीकांत रात किसी तरह बीत गई। भगवान ने मेरी बहन की लाज बचा ली। वो कौन थी पता चला? उनकी किस्मत अच्छी थी कि मेरे हाथों से बच गए, वरना अपनी बहन की लाज लूटने वालों को मैं कभी जिंदा नहीं छोड़ता। यही बात मैं कहूं तो? जो अत्याचार तुम्हारी बहन पर हुआ उसका तुम्हें दुख है, तो शानों पर जो अत्याचार तुम कर रहे हो उसका मुझे दुख है। तुम्हारी जान अगर मैं लूं तो? डैडी तुझसे कई बार कहा, इस मक्कार को भूल जा। ये क्या डैडी, श्रीकांत को आप भी जानते हैं? जानता हूँ, कहीं जमीन आसमान से मिली है। इस गाँव का बहुत बड़ा जमींदार हूँ। मेरे खेत में काम करने वाला ये मजदूर है। मजदूरी खत्म होते ही मैं उसकी कीमत चुकाता हूँ। अगर मजदूरी न दूं तो भूखे मर जाएं ये लोग। मुंह संभाल के खामोश। तुम जैसे मकार प्रेम का ढाई अक्षर सुना के भोली भाली लड़कियों को स्वार्थ के जाल में फंसा के अपना स्वार्थ पूरा करते हो। अगर तुम शांता से प्यार करते हो तो मेरे बराबर होके दिखाओ। सुन लिया ना? आओ बेटी। महान सर्वश्रीमान श्री श्री राम सिंह, तुमने बड़े जोश से मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। अब मैं तुम्हारी अमीरी का मजाक उड़ाऊंगा। कितने रुपए कमाए, क्या करोगे? रोज दो वक्त खाते हो या तुम भूखे पेट सो जाते हो? जब तुम मरोगे तो तुम्हारे बदन पर कफन का कपड़ा ही होगा, बेशुमार दौलत नहीं। लेकिन तुम चाहते हो कि मैं बराबरे करूं तभी शांता के काबिल बन पाऊंगा। तो कान खोल के तुम सुन लो, जिन्होंने मुझे जन्म दिया उनकी सौगंध खाता हूं। क्रोध की धधकती ज्वाला में तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करता हूं, एक दिन तुमको कदमों में झुकाऊंगा और तुमसे कन्यादान करवाऊंगा। अभी गांव छोड़ के जा रहा हूं और जब तक मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो जाती इस गांव में कदम नहीं रखूंगा। बुजुर्ग भी मुझे मान और सम्मान देते हैं। मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने जा रहा हूं, समझी? घूमने नहीं जा रहा हूं, एक दिन जरूर लौटूंगा, तुमसे शादी करूंगा। लेकिन मुझे डर लगता है तुम्हारे लौटने से पहले पिताजी जबरदस्ती मेरी शादी। अगर ऐसी घड़ी आ जाए तो मुझको खबर करना, मैं आ जाऊंगा। लक्ष्मणपुर में नानी के पास रहूंगा। चलता हूं शानू। सूरजगढ़ के गोपाल चौधरी करोड़पति हैं। उनकी इकलौती बेटी सुलोचना का ब्याह है। बेटी के वास्ते लाखों रुपए के गहने बनवाए हैं। बदमाशों की नजरें गहनों पर हैं, कहीं भूल चूक हुई तो पुलिस वाले बदनाम हो जाएंगे। बी केयरफुल सुल्तान। यस बॉस। किसी तरह भी पुलिस की आंखों से बच के गहनों को लूटना होगा। ओके बॉस। वो दूल्हा जमनापुर के जमींदार का बेटा है, लेकिन वो शादी नहीं कर पाएगा। मतलब दूल्हे के भेष में तुम हो गए। ओके। अगर हम खामोश बैठे रहे तो पछताएंगे, दूसरा और कोई उपाय भी नहीं है। कल सूरजगढ़ के गोपाल चौधरी की बेटी की बारात रवाना होगी। लाखों रुपए के गहने लूटने हैं तो लाइट का कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों को लेना होगा। मौका देख के लाइट ऑफ कर देंगे और दुल्हन को गहनों के साथ हम उड़ा लाएंगे। 50? No, ये तो बहुत खतरनाक काम है। इस काम के लिए ज्यादा हिस्सा देना पड़ेगा। सोचती नहीं समझती नहीं, हमेशा हिस्से की बात करती है। मैं क्या पराया हूं, मैं जो कहूं वो करो। ओके ओके। तो
तुम ये साड़ी पहनकर आ जाओ बेटी। चाची ये सारे गहने पहना दो। नहीं बेटी, गहने का बोझ ना उठा पाओगी। कोई बात नहीं चाची, इसे चार गुना बोझ में उठा लूंगी। थैंक यू बॉस। क्लोरोफार्म का इफेक्ट सिर्फ आधा घंटा रहेगा। फौरन तुम गहने उतार के बक्स में रखो। बी क्विक। Thank you, boss. Stop there. Mr. Mutan, भला चाहते हो तो बॉक्स दे दो, वरना मैं तुम्हारी बोटी बोटी काट के जानवरों को खिला दूंगा, समझे? Hurry up. Now. Thank you. Hands up. Mr. Sikandar, भला चाहते हो तो बॉक्स मेरे हवाले कर दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा. All right. चला पंच मरो। नो नो। सबसे ज्यादा खतरा मैंने मोल लिया है, तुम लोगों ने नहीं। बॉक्स मेरे हवाले करो।
चिंगारी को चूमो तो जलोगे प्यारे, देखोगे दिल को तो खटक होगे प्यारे, कुछ मांगोगे वे जल्दी से आ जाए दिल पे आ प्यारे तू ले आजा मेरे साथ आजा। चिंगारी को चूमो तो जलोगे प्यारे, देखोगे दिल को तो खटक होगे प्यारे, कुछ मांगोगे वे जल्दी से प्यारे तू ले आजा आजा मेरे साथ। मिस नीलिमा, इस डायरी को पाने के लिए तुमने इतनी मेहनत करके नाचा और गाया, लो। पर ये तो खाली है, तुमको तो लिखते देखा था। यस यू आर राइट, लिख रहा था लेकिन लिखावट दिखाई नहीं देगी, यही तो मेरा राज है। मैं तुम्हारे राज को जानना नहीं चाहती, हमने जो लाखों के जेवर लूटे उसमें से मेरा हिस्सा दो। भोली बच्ची। प्लान मैंने बनाया, अपनी जान की बाजी मैंने लगाई,
बेकार की बात मत करो, यू कैन गो। मैंने सोचा अपनी जिंदगी में से कुछ हिस्सा दोगे, पर डार्लिंग तुम बड़े जालिम हो। ऑफ कोर्स, बट आई कांट हेल्प। इसे रखो, बाद में ले लूंगा। बाबूजी, हमारा गुजारा होना भी मुश्किल हो गया है। बहुत दिनों तक मैं बोझ बन के नहीं रहूंगा नानी, मैं कोई काम जल्दी ही ढूंढ लूंगा। यहाँ दो वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। कितना भाग्यवान हूँ, तुम्हें दिखा दूंगा, मैं परसों तक काम ढूंढ लूंगा। कमला, मैं जरा बाहर जाता हूँ, चलता हूँ नानी। जाओ बेटी, नहा धो लो। साला हमारे बॉस को चकमा देता है। ए, इज्जत से बात करो, छोड़ दो। अरे साला नहीं बोले तो क्या राजकुमार बोले, चल बॉस के पास। सुनो बाबू, तुम लोगों को गलत फहमी हुई है, मैं तो काम के वास्ते शहर आया। हमारा बॉस बढ़िया काम देगा, ले आओ इसको। ए, चल छोड़ो मुझे। अब भी बता दो, तुम सिकंदर हो ना? नहीं नहीं, मैं सिकंदर नहीं हूं, श्रीकांत हूं। नो, तुम सिकंदर हो,
ड्रामा कर रहे हो। अगर मुझे आजाद कर दो तो तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं कौन हूं। शट अप! तुम्हें आजाद किए बिना भी मैं पता लगा सकता हूं कि तुम कौन हो। जब ये कटीले तार तुम्हारे बदन पे लपेटे जाएंगे और बंधन का दबाव पल पल बढ़ता जाएगा तो तुम अपने आप बता दोगे कि वो हीरे कहां हैं, वरना कुत्ते की मौत मरोगे, आवाज तक नहीं निकलेगी। कम ऑन, रिप्लाई। एई, तुम्हारे इस अत्याचार का मैंने अगर हिसाब न चुकाया तो ना मेरा श्रीकांत नहीं, आंखें बंद होने से पहले मैं तुम लोगों को सुना दूंगा, याद रखना। गांव से श्रीकांत को भगाकर राम सिंह का बेटी भी आना शोभा नहीं देता। बबूल के पेड़ में आम फलते हैं, अमीर और गरीब एक हो सकते हैं। लेकिन वो लड़की अपने प्रेमी को चाहती है ना। सुनो, बेकार की बातों से हमें क्या लेना, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। मान लो कि अभी ब्याह होने वाला है तो क्या श्रीकांत आके रुकवा सकता है? लाख रुपए की बात कही नारायण, भला हम दोनों आपस में माथापच्ची क्यों करें बोलो। कन्या को मंडप में लाइए।
यू मैम, तुम सिकंदर की राइट हैंड हो ना, जरूर उसने तुमको हीरे के बारे में बतलाया होगा। कम ऑन, टेल मी, हीरे कहां है? मैं नहीं जानती हूं। नहीं जानती तो सुन लो, सच बुलवाने का तरीका भी मैं जानता हूं। अंडरस्टैंड? अपनी खूबसूरती पे अगर तुम्हें जरा भी नाज हो तो सच बताओ। मैं नहीं जानती। नहीं जानती? यू डोंट नो है? सिकंदर जिंदा है बॉस। व्हाट? सिकंदर अभी जिंदा है? कहां है वो? जग्गू के लोग उसको पकड़ कर ले जा रहे थे बॉस। फौरन पकड़ के लाओ उसे, सिलोन सिकंदर भागने ना पाए। जाओ। यहां पर कैसे आए सोच का ताज्जुब होता होगा। कार से गिर के खजूर पे कैसे अटका, ये सोच के ताज्जुब होता है। तुम चाहो तो तुम्हें मुसीबत से बचा सकता हूं। बोलो, हीरो को तुमने कहां छुपा रखा है? बोलो सिकंदर। सिकंदर नहीं हूं मैं, श्रीकांत हूं। जब हीरे पास में हैं, तब झूठ को सच बताओगे ही। ए, तुम सच नहीं बोलोगे तो जानते हो क्या करूंगा? खून करो। यही ना, मैं तो मार खा खा के लोहे की तरह मजबूत हो गया। तुम्हारी जो इच्छा है पूरी कर लो। मैं तुम्हारी बातों को कैसे मान लूं? बातों को मानोगे तो फायदा होगा, मुझे छोड़ दोगे। बातों को नहीं मानोगे तो भी फायदा होगा, मुझे मार डालोगे। सुनो, सिकंदर नहीं हूं, मेरा मकान बहुत पास है। तुम्हें यकीन न हो तो अभी जाओ महात्मा गांधी रोड जाकर 14 नंबर के मकान को देखो, वहां मेरी सिस्टर होगी, तुम्हें सच बता देगी। तो झूठी कहानी का विश्वास कर लूं? तुमने जिंदगी भर चकमा दिया है मुझे, और तुम दोनों की कहानी खत्म कर दूंगा। गेट अप। ए, मैं थोड़ी देर की मोहलत देता हूं, आराम के लिए नहीं, सच बोलने के लिए, समझे? मेरे लौटने तक तुम फैसला करके सच बोल दोगे तो भला होगा। ओके? ए, होशियार। इस नाम से मुझे ना बुलाओ, मैं श्रीकांत हूं। झूठ मत बोलो, वो डायरी कहां छुपाई? वो मुझसे पूछ रहे थे हीरे कहां है, अब तुम पूछती हो डायरी मैंने कहां छुपाई। तुम सिकंदर नहीं, तुम श्रीकांत हो। आखिर सिकंदर है कौन? वो बहुत बड़ा डाकू है, सारी दौलत उसने गुमनाम जगह रख छोड़ी है, उसका पूरा ब्यौरा डायरी में है। तो ये बात है, तुम लोग इसीलिए मुझे सता रहे थे? नो, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, हम दोनों यहाँ से फरार होके माल पर कब्जा कर लेंगे। माल मुझे नहीं चाहिए, घर जाकर बहन से मुलाकात करूंगा, वो इंतजार करती होगी।
बोले। मैडम उसे गिरफ्तार करें। नो, वो चोर डाकू नहीं। आओ आईजी से बात करनी है। कमला बहन। भैया भैया कल के गए आज आए हो, ये सब क्या है? चोट कैसे लगी? ये सब क्या है? बताता बहन, बताता हूँ। चलो गुड मॉर्निंग सर। वेलकम मिस अनीता, बैठो। लूट मार करने वालों के अड्डे को तुमने खोजकर हमारे डिपार्टमेंट का मान बढ़ाया है। तुम हमें उनका पता बता दो तो हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। नो सर, केवल गुंडों को पकड़ने से हमारा फायदा नहीं, क्योंकि उनके रुपए गहने जेवर सिलोन सिकंदर ने छुपा रखे हैं। इज इट? यस सर, उस गुप्त खजाने का पूरा ब्यौरा उसने डायरी में लिखा है। उसने मरने से पहले उस डायरी को कहीं छुपा रखा है। हम अगर डायरी को खोज लें तो करोड़ों रुपए का खजाना गवर्नमेंट को सौंप सकते हैं। उसके लिए कुछ उपाय सोचा? यस सर, तभी गुंडों को पकड़ने से मना कर रही हूँ। वो लोग डायरी की तलाश में कुत्तों की तरह लगे हैं, हम चुपचाप उनके पीछे पड़े रहेंगे। यानी हम लोग खामोश रहकर कुत्तों की कार्यशैली बर्दाश्त करें? नो सर, कुत्ते पकड़ने के लिए हड्डी फेंकना बहुत जरूरी है, वरना वो भाग जाएंगे। ओके मिस अनीता, प्रोसीड योर ओन वे। थैंक यू सर। ऐसे क्यों कर रहे हो? तो बोल, वो हीरे कहां रखे हैं? यकीन करो नहीं जानता, मेरी बहन को छोड़ दो। सुन, वो हीरे कहां है अब भी तुमने न बताया तो इसकी जान ले लूंगा। बोल बोल। नहीं जानता। नहीं नहीं ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। नहीं नहीं। टाइम बम लगा के इसको भी फिनिश कर दो। ओके बॉस।
हमें अनाथ करके तेरे बाबूजी मरे, अब तुम्हें अनाथ करके मैं मर रही हूँ। मुन्नी को तेरे हवाले कर रही हूँ, कैसे पालेगा तू, कैसे पढ़ाएगा तू, और अपनी बहन के किस तरह हाथ पीले करेगा। सारी जिम्मेदारी तुझ पे छोड़ के जा रही हूँ, जिम्मेदारी निभाएगा तो मुझे शांति मिलेगी। अच्छा माँ, जरूर मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। बेटे, इसको हमेशा अपने साथ में रखना, ये मुसीबतों से तुम्हें बचाएगा। माँ, जिम्मेदारी कहां तक निभाई मैं नहीं जानता, लेकिन मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जिसने मेरी बहन को मौत के मुंह में झोंका उसके लिए मैं मौत बन जाऊंगा। श्रीकांत, बहन की मौत से तुम्हें जो दुख है, तुम्हारे दिल के अंदर इंतकाम की जो आग है, मैं जानती हूँ, लेकिन इस हाल में दुश्मन से मुकाबला करना ठीक नहीं। शानो, तुम मुझे डरपोक समझती हो क्या? नहीं, वो खूनी लुटेरे चाकू बंदूक पे सांस लेने वाले खूंखार हैं। उन लोगों से लोहा लेना चाहते हो तो तुम्हें बंदूक पकड़नी होगी, कराते कुंफू चाकूबाजी घुड़सवारी सीखनी पड़ेगी। तुम ये सब सीखोगे और इसकी जिम्मेदारी मुझ पर होगी। तुम्हारे पिताजी कुछ नहीं कहेंगे? उनको छोड़ के आई हूं, वो मेरा जबरदस्ती विवाह करना चाहते थे। शानू, मैं मजबूर थी, भागने के अलावा कोई उपाय ही नहीं था। आई एम सॉरी। गुनाह करने के बाद माफी मांगना बेवकूफी है। पहले जिसने तुम्हारे बहन की जान ली उस चंडाल से अपना बदला लो। और मात, अपन कहां स्टार्ट? अपन सात दो नेक्स्ट टाइम
देख, अब तुम सिलोन सिकंदर लगते हो। थैंक यू। दुश्मनों से मुकाबला कर सकते हो। और दुश्मन मामूली तौर पर नाइट क्लब में आते हैं, वहां से हम काम शुरू करेंगे। ओके।
अगर आंखों में कांटा चुभे तो हम आराम से सो सकते हैं। नहीं बॉस, अब हमसे चुभन सहना मुश्किल है, फिर क्या दर्द को खामोश होकर हम सह सकते हैं रंजीत? नहीं, आप हुक्म करें, मैं उस सिकंदर को खत्म कर दूंगा।
बताओ, नहीं बताया तो तुम्हें नरक भेज दूंगा। बोलो, राम कहाँ है? दुर्गा पहाड़ की उत्तरी घाटी में। लक्ष्मण कहाँ है? वो पुराने हवाई अड्डे पर है। आखिरी रोज है। मजाक अच्छा करते हो। मेरे हाथ में बंदूक है, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं, कैसे मारोगे? देखा तूने? लाठी से मार पाओगे? तो दिखा दूं? चार को खत्म कर चुका,
अब उस पांचवें को मार के तुम्हारी आत्मा को शांति पहुंचाऊंगा। बाबू बाबू भूखा हूं भूखा। बाबूजी आप हैं? कितने दिनों से खोज रहा था आपको बाबू। उस दिन मुझे किताब दे के उड़न छू हो गए थे बाबू, आज फिर मिल गए। ये लो बाबू, ले लो बाबू। ये तो डायरी है। वो बहुत बड़ा डाकू है, सारी दौलत उसने गुमनाम जगह रख छोड़ी है। उसका पूरा ब्यौरा डायरी में है। श्रीकांत, डायरी लेके वो भाग गया। ठीक है, तुम घर जाओ, साले को मैं देखता हूँ। ये मामूली डायरी नहीं है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसका राज मैं बताता हूँ, देखो। जिंदगी का भरोसा नहीं, खतरों से भरी है, न जाने किस दिन मौत आ जाए, इसलिए डायरी लिख रहा हूँ। मेरे नाम से जमीन हिल जाती है और बड़े बड़े डाकुओं की नींद उड़ जाती है। वो दिन याद है मुझे। चलो
जब मैं कभी फुटपाथ पर सोया करता था, ईमानदारी से जीने के वास्ते मुसीबतें झेलता था, जुल्म ने मजबूर कर दिया। जुल्म के मारे हुए लोगों के वास्ते ये सब दौलत मैंने छुपा के रखी है। लिखे हुए नियम के अनुसार दौलत निकालकर कृपया गरीबों में बांट दो। मेरी ये आरजू उन भाई बहनों से है जिनको ये डायरी हासिल हो। अपने शहर से 20 मील दूर पूरब एक मंदिर है, वहां जाइए। जिस जगह ठीक 4 बजे ध्वज स्तंभ की परछाई पड़े, वहीं से गुफा का रास्ता है। मंदिर के दोनों ध्वज स्तंभों के बीच वाले पुष्प रूपी पत्थर को घुमाने से उस गुफा का दरवाजा खुल जाएगा। वेरी गुड, बढ़िया मौका मिला है। फौरन हमें डायरी दुश्मनों के हवाले करनी होगी। श्रीकांत। हाँ शांता, बदमाशों को पकड़ने का यही उपाय है। मेरी बात सुनो, डायरी लेके रात तुम घर में अकेली सो जाओ। जगो, हम दोनों चालबाजी और होशियारी में नहले पे दहला है। वो सिलोन सिकंदर अब श्रीकांत बनके हमारे प्लान को चौपट करने और हमें तबाह बर्बाद करने पर तुला है। अगर तुम साथ मेरा दो तो हम खजाने को पा सकते हैं। ओके। तुम अगर साथ मेरा चाहते हो तो मैं क्यों ना मानूं मस्तान, लेकिन खजाने की राज वाली डायरी श्रीकांत के पास है। ए जॉन। यस बॉस। जाओ डायरी हासिल करो और श्रीकांत के घर में जो कोई हो पकड़ लाओ। के लोग डायरी के साथ शांता को भी पकड़ कर ले गए हैं। सर वो डायरी का राज जानती है, जाके पहले मैं उसे छुड़ाऊंगी और बाद में इन्फॉर्म करूंगी। आप फौरन आ जाइएगा। ओके, यू कैन प्रोसीड। थैंक यू सर। अपने शहर से 20 मील दूर पूरब एक मंदिर है, वहां जाइए। जिस जगह ठीक 4 बजे ध्वज स्तंभ की परछाई पड़े, वहीं से गुफा का रास्ता है। मंदिर के दोनों ध्वज स्तंभों के बीच वाले पुष्प रूपी पत्थर को घुमाने से उस गुफा का दरवाजा खुल जाए। चुकुल है।
जैसा मैंने सोचा था वैसे ही जाल में आकर फंसे। आज तुम लोगों का आखिरी दिन है, स्पेशली योर्स। तुझे तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा और अपनी बहन की आत्मा को शांति पहुंचाऊंगा। Yeah.